आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ में से आपको बेस्ट कोच कौन लगता है और क्यों? आप कमेंट करिए और फटाफट बताइए कि दोनों में से कौन आपको बेहतर लगता है और किसकी तकनीक आपको बेस्ट लगती है। अब हम खबर की तरफ लौटते हैं। दरअसल शिखर धवन का एक बड़ा बयान सामने आया है। शिखर धवन ने रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के बीच का अंतर बताया है। उन्होंने समझाया है कि दोनों में कौन बेस्ट है। शिखर धवन श्रीलंका दौरे पर गई टीम के कैप्टन हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपको दोनों में कौन बेस्ट लगता है। शिखर धवन ने फौरन पलटकर जवाब दिया कि दोनों का नजरिया और दोनों का दृष्टिकोण एक ही जैसा है। दोनों सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करते हैं, दोनों प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं। शिखर धवन ने रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के बीच का अंतर बताते हुए कहा कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोनों ही पॉजिटिव रहने वाले कोच हैं, जिससे प्लेयर्स को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। शिखर धवन ने कहा, मैंने रवि भाई के साथ ज्यादा समय व्यतीत किया है। रवि भाई और राहुल भाई दोनों का अलग तरह से खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का तरीका है। रवि भाई मजबूत ऊर्जा के साथ प्रोत्साहित करते हैं तो राहुल भाई बहुत ही शांत, ठहराव और मजबूत किस्म के इंसान है, इसलिए सभी का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं दोनों के नेतृत्व में खेलना पसंद कर रहा हूं। वैसे हमारी नजर में रवि शास्त्री अग्रेसिव हैं, अटैकिंग सोचते हैं, प्लेयर्स की गलती पर फटकारते भी होंगे क्योंकि वो बहुत सख्त टीचर लगते हैं। राहुल द्रविड़ को आप सबने बैटिंग करते हुए देखा ही होगा। मैदान पर हालात जैसे भी हों, राहुल द्रविड़ कूल और काम होकर खेलने वाले प्लेयर थे। इसी तरह से वो बतौर कोच भी काम करते हैं। वैसे पृथ्वी शॉ जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और जीत भी चुके हैं, वो हमेशा बताते हैं कि राहुल द्रविड़ प्लेयर को उनका बेस्ट तकनीक बताते हैं, मैदान पर आराम से खेलने की सलाह देते हैं। आप भले ही अपने प्रदर्शन से नाखुश हों, लेकिन एक बार द्रविड़ के सामने बैठने भर की देर है, आप में ऊर्जा आ जाती है। जबकि उससे उलट हमने रवि शास्त्री को कई बार प्लेयर्स के आउट होने के बाद गुस्से वाला एक्सप्रेशन देते हुए देखा है और जीतने के बाद खुशी से जंप करते हुए देखा है। लेकिन ये भी सच है कि उनके कोचिंग के नेतृत्व में टीम इंडिया शानदार परफॉर्म कर रही है। भले ही हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए हों, पर हमें उम्मीद है कि शास्त्री की कोचिंग इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में फतह दिलाएगी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग श्रीलंका में T20 और वनडे सीरीज में।